तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल काइट लवर। तो दोस्तों, पिछली बहुत सी वीडियो में कमेंट आ रहे थे कि भाई दूसरों की पतंग कैसे काटें, इसके ऊपर वीडियो बनाओ। तो आज की वीडियो इसी के ऊपर है। तो इसके लिए मैंने दो डमी पतंगें बनाई हैं घर पर, तो इसी से मैं आपको समझाऊंगा। तो देखिए, पतंगबाजी में तरीका तो होना ही चाहिए, उसके साथ साथ जो आपका मंजा है या पतंग है वो भी एकदम अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। अगर आपके पास तरीका है और अगर आपके पास मंजा और पतंग अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो भी आप पतंग नहीं काट पाएंगे, या फिर आपके पास अच्छी क्वालिटी का माल है और अगर आपको तरीका नहीं आता पतंग काटने का तो भी आप पतंग नहीं काट पाएंगे दोस्तों की। तो तीन चीज़ें मेन है, सबसे पहले पतंग, उसके बाद मंजा, उसके बाद आपको आना चाहिए तरीका दोस्तों की पतंग काटने का। तो मैं बता दूँ, पतंग काटने के बहुत तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं दोस्तों की पतंग काटने के। और देखिए, मैं एक बात आपको क्लियर कर दूँ, जो पतंगबाजी का गेम होता है मतलब, तो वो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपको तरीका आएगा पतंग दोस्तों की पतंग काटने का। तो सिंपली ये प्रैक्टिस का गेम है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप परफेक्ट होंगे दोस्तों की पतंग काटने में। लेकिन मैं आपको जब आप फेस्टिवल, तो देखिए इस वीडियो में आपको मैं दो तरीके बताऊँगा पतंग काटने के दोस्तों की। तो पहले तो मैं तरीके बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको पूरा पतंग उड़ा के दिखाऊंगा और फिर दूसरों की पतंग काटूंगा भी उन्हीं तरीक़ों से। तो ये तरीका मैं उन लोग के लिए बता रहा हूँ जो कभी कभार पतंग उड़ाते हैं सिर्फ फेस्टिवल के टाइम में और जिन्हें खींच मारनी नहीं आती है, तो ये तरीका सिर्फ उन्हीं लोग के लिए है, ये ढील का तरीका है। अब जैसे कि मान लिया कि जो कलरफुल वाली पतंग है वो आई नीचे से और आपकी पतंग है वाइट वाली, तो आपको क्या करना है, उस कलरफुल के मुँह की तरफ थोड़ा सा जाना है और ऐसे पूरी ढील छोड़ देनी है। और जैसे ही वो पतंग जो नीचे से हो, फिर से बता दे रहा हूँ, आपकी ऊपर वाली वाइट वाली पतंग आप जाना उसकी और पूरी ढील छोड़ देना। और जैसे ही वो नीचे वाली पतंग ऊपर को खींचेगी, अगर वो स्ट्रेट खींचती है तो उसकी पतंग 100% कट जाएगी, अगर वो स्ट्रेट खींच देता है ये देखिए। लेकिन आपको ये पेस तभी लड़ाना जब आपकी पतंग हो हवा में, अगर आपकी पतंग को हवा लग रही है तो आप उसकी पतंग काट देंगे, और अगर आप बिन हवा में चले जाएंगे तो आपकी पतंग कट जाएगी। तो इसलिए इस पेस लड़ा के समय ये ध्यान रखना है कि आपकी पतंग को हवा लगे। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, आप हैं वाइट वाले, आपने हल्का सा वो जब भरेगा नीचे वाला, आप ऊपर से पूरी ढील छोड़ देना है, लेकिन आपकी पतंग को हवा लगनी चाहिए। और जैसे ही वो सीधी अपनी पतंग खींचेगा तो ऐसे में उसकी पतंग जो होगी वो कट जाएगी। तो यही पेज उड़ाना है। तो अभी मैं आपको इसका लाइव डेमो करके दिखाता हूँ, मैं अभी पतंग उड़ाता हूँ और इसी उससे काट के दिखाता हूँ। तो आप देख सकते होंगे ये जो चांद तार पतंग है वो हमारी पतंग है, और अभी हम वही वाला पेज उड़ाएंगे, वो काली वाला नीचे से आया और हमारी चांदतार पतंग है। हम पहले थोड़ा जाएंगे, फिर उसकी मुंह की तरफ जाके पूरी ढील छोड़ देंगे, और हमने जैसी ढील छोड़ी तो ऊपर वाली काली वाली पतंग देखी कट गई। तो यही तरीका है, जिन लोग को पतंग उड़ाना नहीं आती तो वो इस तरीके से पतंग काट सकते हैं। लेकिन ये तरीका आपका तभी काम करेगा जब आपकी पतंग को अच्छी खासी हवा लग रही होगी। तो पहला तरीका तो मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको बताऊँगा दूसरा तरीका। अगर कोई आपके साथ ऐसा करता है कि आप नीचे से जा रहे हैं और दूसरा बंदा जो है वो आपके ऊपर से आता है और पूरी ढील छोड़ देता है, तो ऐसे में जैसे ही आप ऊपर को सीधा खींचते हैं तो आपकी पतंग कट जाती है। तो जो लोग आपके साथ ऐसा करते हैं तो उनकी पतंग कैसे काटें, तो इस बार मैं वही तरीका बताने जा रहा हूँ, तो इस तरीकों को भी अच्छे से देखना। तो ये देखिए, हमने दो पतंगें ले ली हैं फिर से। तो पहले मैं इससे बताता हूँ, फिर मैं आपको लाइव उड़ा के दिखा दूँगा। तो जो कलरफुल वाली पतंग है अब की, यार ये आपकी पतंग है, और सफ़ेद वाली पतंग किसी और की है। तो आप जैसे ही अंदर भरेंगे तो वो पहले अपनी पतंग घुमाएगा, आपको नीचे पटकनी है पतंग, वो आपके नीचे को पटकेगा, आपको फिर थोड़ा और अंदर नीचे पटकनी है ताकि उसकी पतंग बिन हवा में चली जाए। और जैसे उसकी पतंग बिन हवा में जाएगी वो फिर से ढील दे देगा, और आपको एक बाहर का चक्कर देना है और उसके बाद अपनी पतंग को बाहर को ही खींच लेना है, पूरा बाहर का चक्कर देखे ऐसे देखिए, क्रॉस में ही बाहर को एकदम खींच लेना है। तो यही तरीका आप उसकी पतंग काट पाएंगे। मैं फिर से बताता हूँ, आप अंदर गए, वो आपके नीचे जैसे ही उनने रखी तो आप क्या करेंगे, थोड़ा और नीचे चले जाएंगे। जैसे उनने आपके नीचे रखी आप और नीचे चले जाएंगे, जैसे ही आप और नीचे जाएंगे तो उसकी पतंग चली जाएगी बिन हवा में। जैसे ही उसकी पतंग बिन हवा में जाएगी वो ढील देगा, आपको बाहर का चक्कर देना और बाहर कोई क्रॉस में एकदम अपनी पतंग खींच लेनी है। तो ऐसे में आप आसानी से उसकी पतंग काट पाएंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि आप अपनी खींच रोकना मत, बाहर को जैसे आप खींचेंगे पूरी जान लगा के आपको खींचनी है। तो अब मैं उड़ा कर दिखाता हूँ कैसे काटनी है पतंग। तो दोस्तों ये देखिए, हमने पतंग अपनी पार कर ली है, और जो मैंने अभी आपको तरीका बताया था तो इसी पतंग से दूसरों की पतंग काट के दिखाऊंगा उसी तरीके से। तो ये देखिए, हमारी नीली वाली पतंग है
और जो काली वाली पतंग है वो किसी और की है। तो हम नीचे से जाएंगे, तो अभी रुकिए, अभी पेज बन रहा है। हम गए नीचे से, तो हम नीचे से अंदर को भरेंगे, और वो देखिए हमारा मुंह पकड़ने की कोशिश कर रहा है। हम नीचे से गए, उसने पूरी ढील दे दी, हम बाहर को खींच देंगे। तो दोस्तों यही तरीका, जिस तरीके से आप ऐसे लोग की पतंग काट सकते हैं जो लोग आपकी पतंगों के ऊपर पूरी ढील दे देते। और हमारे चैनल को काइट लवर को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।